फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू टी वी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सलवार की मोरी का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। ये हमारी सलवार का कपड़ा है जिसपे हम बनाएंगे। ये हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो हमने विड्थ ली है, चौड़ाई 2 इंचज़ ली है, और इसकी जो लेंथ हम लेंगे, जितनी हमारी सलवार की मोरी की लेंथ होगी, यहाँ से मोरी की तरफ से जितनी लेंथ होगी, उस लेंथ से हम इसको 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं इसकी लंबाई। और हमने ये स्ट्रिप ली है सलवार से मैचिंग। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है 4 इंचज़ ली है। आप 4.5 इंचज़ भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना ले लिया है। और इसकी लेंथ भी हम बुकरम की लेंथ जितनी होगी उतनी ही रखेंगे। अब हम ये बुकरम का पीस इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से रखते हुए, यहाँ से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए, जितना कि आप सिलाई में दोगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रफ स्टिच दे देंगे। ये हमने इस तरह से रफ स्टिच दे दिया है। अब हम इस कपड़े की राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। ये राइट साइड है, इस पे हम ये जो हमने स्ट्रिप रेडी की है, इस तरह से इसको रखते हुए, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे बुकरम के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने बुकरम के किनारे पे इस तरह से स्टिच दे दिया है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे। इस तरह से करते हुए ये जो हमारी सिलाई, ये कपड़ा है, इसको हम इस साइड में रखेंगे। ये देखिए, इस तरफ करते हुए रखेंगे, इस तरफ ऊपर की तरफ, इस तरह से करते हुए यहाँ पे किनारे पे सिलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई दी है। ये देखिए, रॉन्ग साइड हमारी, ये हमने इस तरफ रखा है कपड़े को इस तरह से। अब हम इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो हमने सिलाई लगाई है, इसके साथ में 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से हमने 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे, और ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है, इसके यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई दे देंगे। अब हम राइट साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे, और इसी सिलाई के साथ 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पूरी मोरी में 2-2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से, और इसके बिल्कुल सामने भी इसी तरह से 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से करते हुए ड्रॉ करेंगे, और सेंटर में एक एक निशान छोड़ते जाएंगे। अब इसी ड्रॉ किए हुए पैटर्न पे हम सिलाई लगा देंगे। जब हम इस पैटर्न को बनाएंगे, तो हम साथ में मशीन को ऑपरेट करेंगे, और साथ में इस कपड़े को इस तरह से घुमाते जाएंगे, तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम, ये देखिए, इन पॉइंट से भी इसी तरह से ये जो रह गए, इनको भी हम इस तरह से ज़िगज़ैग करते हुए मिला लेंगे। और इन पे सिलाई लगा लेंगे।
अब हम ये जो हमारा सेंटर, जहाँ सेंटर आ रहा है इनका, ये देखिए इस तरह से सेंटर में हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे भी हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से करते हुए मिलाएंगे इस तरह से। और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इतना बनाने के बाद ये देखिए इस पॉइंट को हम इस तरह से जिगजैग करते हुए यहाँ तक आएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसको इससे इसी तरह से मिलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम ये जो हमने दो सिलाई लगाई थी ये इस तरह से इन दोनों में इस तरह से जिगजैग करते हुए इन दोनों में फिल कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।